नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब आयोग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। आयोग के साथ ही अब मतदाता भी चुनाव को लेकर लगभग तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि गाँव में भावी प्रत्याशी व मतदाता के बीच में वोट मांगने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इसके साथ साथ वो दावा और वादा भी कर रहे हैं। इधर आयोग की तरफ से भी इस साल चुनाव को लेकर तैयारी लगभग जो है वो पूरी हो गई है, वो आखिरी चरण में चल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। बिहार में 6 पदों में से 4 पदों पर ईवीएम के माध्यम से चुनाव होना है। इसके लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से ईवीएम मंगवाया गया है। वर्तमान में ईवीएम की प्राथमिक जाँच की जा चुकी है, जिससे कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया को एक कार्य दिवस का कार्यक्रम निर्धारित किया है। मतगणना हॉल एवं मेजों की संख्या के निर्धारण को लेकर एक दिशा निर्देश भी इसको लेकर जारी किए गए हैं। संबंधित प्रखंड के न्यूनतम 4 पंचायतों के मतगणना प्रत्येक चक्र में एक साथ कराई जाएगी। आयोग ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि साल 2020 के अनुभवों के मतगणना हॉल की संख्या 4 या फिर यथास्थिति आवश्यक अधिक रखी जा सकती है। इसमें प्रखंड के 4 अधिकतम वार्ड वाले पंचायत के वार्डों की संख्या के साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर सहायक निर्वाचित पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्येक मतगणना हॉल में मेजों की घेराबंदी की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी, ताकि मतगणना एजेंटों द्वारा वोटिंग मशीनों को हाथ में लगाया जा सके। किंतु मतगणना एजेंटों की मतगणना मेज पर चल रही पूरी मतगणना प्रक्रिया को देखने में उन्हें सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि घेराबंदी हो अथवा घेराबंदी के प्रयोजनार्थ उपायों के लिए जो लाए गए बांस या फिर अन्य सामग्रियों के बीच में या फिर उसके ऊपर उसको फासले को रखा जाए, यानी कि जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको ये पूरा अधिकार दिया गया है कि मेज पे जो काउंटिंग होगी उसको वो किस तरह से करवाएंगे, उसमें कितनी पारदर्शिता होगी, इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। आयोग ने यह भी कहा है कि घेराबंदी करने का सही तरीका निर्वाचित पदाधिकारी के विवेकाधिकार पे छोड़ दिया जाए, जो यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनाधिकृत और गैर प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा वोटिंग मशीनों को हाथ न लगाया जा सके। इससे यह तय है कि निर्वाचित पदाधिकारी को ये जो है पूरा अधिकार जो है वो मतगणना को लेकर दे दिया गया है। ऐसे में अब सरकार चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर भी सतर्कता बरत रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग प्रशासन के स्तर पर कार्य कर रही है। इस दौरान आयोग अति संवेदनशील बूथों की भी पहचान करने में जुटा हुआ है। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्तमान की क्या स्थिति है इसकी भी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती करने की बात कही गई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना सभी जिलों में की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आदर्श मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरणा भी दी जाएगी, साथ ही साथ आकर्षक सजावट भी की जाएगी। इसके साथ साथ महिला एवं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अपने जिले में आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि आदर्श मतदान केंद्रों को चिन्हित कर उन्हें वहां पे सुविधा मुहैया कराएं। आयोग की तरफ से कहा गया है कि आदर्श मतदान केंद्रों पर तैनात होने वाले मतदान कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए करीब 1,14,000 मतदान केंद्रों को गठन की भी संभावना जताई गई है। मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया सरकारी भवनों में ही की जाएगी। तो ये थी मतदान केंद्रों को लेकर जानकारी, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से कैसे जो है मतगणना करना है और उसमें किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। खास करके प्रत्याशियों के जो एजेंट होंगे उसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है कि वो जो है मतपेटियों को सिर्फ देख सकें, उसे छूने की हिदायत वो ना करें। इसको लेकर जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है। तो ये थे पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।